हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ताल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा देर सही पर बहुत ज़्यादा खुश करने वाला रिजल्ट फाइनली बीएस सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो कल सबसे पहले वीडियो आ चुका था हमारा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट उस वीडियो पर लगातार कमेंट करके सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इतने आशा नहीं की थी, उस आशाओं से परे रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और अब जो देरी हो रही थी वो देरी कानपुर हमने माफ़ कर दिया है कानपुर यूनिवर्सिटी को। देर सही लेकिन बहुत ज़्यादा खुश करने वाला रिजल्ट आया है और फाइनली जो देरी हुई स्टूडेंट ने धैर्य रखा सब रखा तो उसका मीठा फल उन स्टूडेंट को फाइनली मिला है अच्छा रिजल्ट के रूप में। स्टूडेंट लगातार कमेंट करें, अपना अपना रोल नंबर बता रहे, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। स्टूडेंट के 90+91% से प्लस स्टूडेंट के नंबर यहां पर आए हैं। ये देखिए कि स्टूडेंट ने अपना यहां पर अपना मार्कशीट हमारे पास शेयर किया था, यहां पर देखिएगा हिंदी लिटरेचर 50 में से 50 अंक, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकेंड पेपर 50 में से 45, यानी टोटल 100 में से 95 अंक मिले हैं, बहुत अच्छा नंबर। ये देखिए यहाँ पर ही इनका 95% हो जाता है हिंदी लिटरेचर में ही। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो 35 में से 29 और 35 में से 34 नंबर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कानपुर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए हैं। वहीं प्रैक्टिकल बाबा की बात करें तो 30 में से 24 अंक यहां पर मिले हैं, तो यहां पर 87 अंक यहां पर मिले हैं आउट ऑफ 100 में। उसके बाद होम साइंस की बात करें तो इन स्टूडेंट के 30 में से 29 नंबर आए हैं और 30 में से 29 सेकेंड पेपर में भी आए हैं, और प्रैक्टिकल की बात करें तो 40 नंबर आए हैं, 40 में से 32 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल बात करें 90, 100 में से 90 और इन्वायरमेंटल पार्ट वन में ही पास कर लिया था क्योंकि सेकंड ईयर की मार्कशीट में ऑलरेडी सभी स्टूडेंट के 100 हो रहा है। अब टोटल देखिएगा आप 272 यानी 90 इतने अंक कानपुर यूनिवर्सिटी ने इन स्टूडेंट को प्रोवाइड किए हैं, यानी 272/300। प्रीवियस मार्च में भी अच्छे अंक थोड़ा कम करके दिए हैं लेकिन अच्छा अंक दिया है, 239 फर्स्ट ईयर में दिया है, ग्रांड टोटल इनका अब भी ही 511 हो जाता है, तो लगभग फर्स्ट के नज़दीक अभी सेकेंड ईयर में ही स्टूडेंट पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट जारी किया है, कितने स्टूडेंट के 90 या 85+ नंबर आए हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमारे कम नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आने चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी ने देर सही लेकिन अच्छा रिजल्ट जारी किया है, सब्र का फल स्टूडेंट को दिया है, उसमें 80% से ज़्यादा स्टूडेंट के लगभग बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अगर फिर भी किन्हीं स्टूडेंट के नंबर किन्हीं कारणों बस कम आए हैं, आपको लगता है आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, तो आप बिल्कुल कानपुर यूनिवर्सिटी को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकते हैं और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया था, जो 2-3 दिन से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर में बीए का रिजल्ट कब आएगा, तो उन्हें बता दिया कि आपको सोमवार तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी ने उससे पहले ही स्टूडेंट को खुशखबरी दे दी, कल शाम को ही लगभग कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट बीए सेकेंड ईयर का जारी कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हो जिनका अभी तक आपको आंसर बाय द चांस ना मिल पाया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी कमेंटों के आंसर लगातार दिए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।